बेवड़ा होने का पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन आज हम देखेंगे बेवड़े लोग। यस, आई विल ट्राई नॉट टू लाफ। आपके लिए लेकर आए ये कमाल का वीडियो, जिसका अगर आप न हंसे तो आपका पूरा इंटरनेट डेटा वापसी हमारी तरफ से। इतनी बड़ी गारंटी दे रहा है भाई, अगर हंसा नहीं तो भाई अपना इंटरनेट रिचार्ज करवा के देगा। मैं ऐसा क्लेम करता ही नहीं हूँ भाई, मेरे को मालूम है तुम लोग जानबूझ के नहीं हंसोगे फिर मेरा घर जाएंगे। नशे में धुत ये दो आदमी जिस तरह से लड़ रहे हैं उसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये क्लासिक वीडियो है। आपने मूव्स देखे नहीं है चाचा लोग के? भारत के किसी गांव का वीडियो है, क्योंकि इनका लड़ने का ये किसने एडिट किया स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों कराटे या फिर बॉक्सिंग सी। ये क्या स्टेप है? देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों चुमा चुमा दे दे कराटे या फिर बॉक्सिंग सीखे आए हैं। लेकिन डीजे पे डांस के साथ साथ फाइटिंग, ये कौन सा तरीका है भाई? आखिर उन्हें एक महिला ने आकर वहाँ से भगा दिया, वरना ने पता नहीं ये कब तक वहाँ पर ऐसी हवा में फाइटिंग करते रहते। ये लोग जॉन सीना से फाइट कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये लोग जॉन सीना से फाइट कर रहे हैं। Are you sure about that? नशे में गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, क्योंकि इंसान को खुद का ही होश नहीं रहता। लेकिन भैंस पर सवार होना किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं है, जो इस आदमी को शायद बखूबी पता है, इसलिए उस आदमी ने अच्छा भैया जी भैंस पे बैठ के दारू पी रहे उस पर सवार होकर घर जाने का फैसला किया। सिर्फ बैठा ही नहीं बल्कि उल्टा बैठ गया। सही बोलता है भाई, दारू आपको कॉन्फिडेंस तो दे देता है। वो मेरे को लगता है उसको मालूम भी नहीं होगा वो किस पे बैठा है, उसको लग रहा है किसी दोस्त के स्कूटर पे बैठा है। देख रहे हो उसको? ओ भाई वो पी रहा है पानी। नहीं, वो गटर का पानी। ये कौन सा नशा किया है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। आईने में देखकर लड़ते हुए या गुस्सा करते हुए जरूर देखा होगा। हाँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने कोई और जानवर है। ऑफ कोर्स, यस। इन अंकल ने तो पीने के बाद उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। पहले तो ये उस आईने को जाकर धड़क गए और सामने वाले इंसान से जा टकराने के लिए अंकल इज लाइक जाना, गुस्सा होने लगे और उससे बात करके उसे बाजू से जाने के लिए कहने लगे। अंकल इज लाइक तू साले मेरे जैसा दिखता है, तू मेरे जैसे कपड़े पहन सकता है लेकिन मेरे जैसा बन नहीं सकता। अच्छा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो सुबह तक ऐसा ही करते रहेंगे, तब भी वो कहीं नहीं जाने वाला। भाई साहब आईने में खुद लेजेंड है भाई, अंकल तू ही देख कर खुद को ही रास्ता दे रहे थे और सोच रहे जाना भाई क्या तकलीफ है तेरे को, जा इतना तुरंत रास्ता देने के बावजूद भी ये आदमी ये जा क्यों नहीं रहा है? लेकिन उसे अपनी बात देखो, अपने घर के बुड्ढे लोग को संभालो, तुम लोग को मैं अभी बता रहा हूं। ऐसा अगर तुम्हारे घर के बुड्ढे किधर पकड़े गए ना वीडियो में, बड़ी बेइज्जती होगी खानदान की। ये आदमी भी उसी कैटेगरी में ज्यादा पीछे नहीं है, जो रास्ते पर एक चौराहे के बीच बनाए पुतले से बातें करता दिखाई दे रहा है और उन पे चिल्ला रहा है। भाई ह्यूमंस का इवोल्यूशन डिस्कस कर रहा है, इंसानी प्रजाति बंदर से कैसे कन्वर्ट हुई वो डिस्कस कर रहा है भाई। अपनी मार्केट बनवाया हूँ। भाई ये पीछे वाला पुतला देखो, ऐसा लग रहा है उसके मुंह से दारू का बास आ रहा है, उससे पीछे हो गया है। पुतले भी भाई दारू लोग से डील नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि उन्होंने चमाट मारा उसको। पुतला इस लाइक भाई गजब बेइज्जती है, लेके कान के नीचे भी बजा दी दोनों को मारा। जलवा है हमारा। अरे भाई वो पुतले में अगर कुछ आ गया गलती से, पत्थर के साथ तेरे को अंतरिक्ष में फेंक देंगे। एंड में बॉम्बे आया था बीसू को मिलने के। आदमी को ही देख लीजिए जो जमीन को तालाब समझकर मछली बन रहा है। ब्रो को लग रहा है ब्रो एक्वा मैन है ब्रो। इस लाइक भाई अब तक तो श्रीलंका आ जाना चाहिए था, क्या हो रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहे हम कप्तान? गुड क्वेश्चन। ये आदमी नशे में पूरी तरह से धुत होकर नदी के किनारे एक मगरमच्छ के पास आकर बैठ गया और उससे बातें करने लग गया। अबे मगरमच्छ को बोल रहा है क्या कर रहा है तू इधर है, ये तेरा जगह नहीं है। इतने झूठ मारूंगा। आज के लोगों ने जब उस मगरमच्छ को देखा तो उस आदमी को आगाह करने की कोशिश की और उसको बता रहे थे कि पीछे आ जाइए, लेकिन वो नहीं भाई, वो तो उसको लेक्चर दे रहे मैथ्स का, अलग भी टीचर रहे C++ पढ़ा रहे उसको। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट C++ इंट्रोडक्शन। वो लगातार उस मगरमच्छ से किसी गहरे दोस्त की तरह बात कर रहा था। अरे गुजराती अंकल लग रहे, ड्राई स्टेट होने के बावजूद कौन से नशे किए तुमने गुजरात में भाई? बंद करो हाथ जोड़ के। भाई वो मगरमच्छ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मगरमच्छ आज डाइट पे, उपवास है आज मगरमच्छ का, वरना अंकल अभी तक
अगर हम जानवरों को तकलीफ नहीं देंगे तो वो भी हमें तकलीफ नहीं देंगे। वो अंकल लोगों से कह ही रहते कि जानवर भगवान का रूप होता है। देखो मैं मानता हूँ कि अगर आप जानवरों को तकलीफ ना दो तो वो भी आपको तकलीफ नहीं देते, लेकिन जानवर को मालूम नहीं ना कि आप तकलीफ दे रहे हो कि नहीं है? आप सांप को ऐसा करने जाओगे, सांप तो Once more! बात वो होता है, वो मैं भी मानता हूँ कि भाई तकलीफ नहीं देने का है तो वो भी नहीं देते, लेकिन भाई संभालो यार, क्या रहे ले भाई? शर्म शर्म करो शर्म। लेकिन अंकल के इतने बार हाथ लगाने के बावजूद भी उस मगरमच्छ ने उन पर एक बार भी भाई मगरमच्छ गया है मगरमच्छ जमा हो गया है मेरे को तो लग रहा है निकल लिया, लेकिन उसने एक बार भी अंकल को तकलीफ देने के बारे में नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है, मान गया अंकल को भाई, बट थोड़ा ज्यादा रिस्की होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस आर्टिस्ट ने कॉस्ट्यूम पहन रखा है और इसने थोड़ी भी पी रखी है। अच्छा ऐसा कॉस्ट्यूम पहनने के बाद पियो मत भाई। और ये सब मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उस छोटे कार्टून ने इस नशे में धुत आदमी को अपने कंधों पे उठाए रखा है। भाई ये पक्का एक्टिंग कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पहना भी और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऐसा करके भी ये लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। हाँ यार भाई ये पक्का एक्टिंग कर रहा है, ये मेरे को नहीं लगता है इसने पिया है, बट काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। ऐसा आम तौर पर हिंदी फिल्मों में नजर आता है जब कोई हसीना दिल टूटने पर सड़कों पर टुन होकर हंगामा करने लगती है, मगर पिछले साल नवंबर के महीने में जयपुर से खूब वायरल हुई इस लड़की ने असल में ऐसा कुछ करके सुर्खियों में अपनी अलग ही जगह बना ली। ओके। इसने शराब क्यों पी इसका कारण तो मोहतरमा ही जानती है, मगर इसने शराब पीने के बाद आई रिमेम्बर इसने अभी बताया भाई रोड पे ट्रैफिक जाम रुका के इसने फोटोशूट किया था। सोचो तुम लोग इसने फोटोशूट किया था, टाइम बहुत खराब आ गया। ये लड़की बीच सड़क पर कार रोककर खड़ी हो गई और किसी मॉडल की भांति पोज देने। कौन फोटो ले रहा है तुम्हारा दीदी? कोई फोटो नहीं ले रहा है, सीसीटीवी में तुम्हारा वीडियो है, अरेस्ट होने वाली हो। और मैडम जी के अच्छे से पोज कैसे दिया जाता है ये बड़े अच्छे से सीख। अभी सीधा मैडम जी तुम्हारा मग शॉट होगा पुलिस स्टेशन में। नो 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 एक और दारूडी लड़की जयपुर का ही है दोस्तों। दारू पी के ड्राइव करे जा रही ये लड़कियां एक्टिवा भगाए जा रही हैं। भाई कैसे चला रहे हो यार आप लोग, यार ये ड्रंक करी हुई है, हेलमेट पहना हुआ उसने, फोन दिखा रहे हो, तेरे को थोड़ी फोन दिखाएगा वो। इसको क्या लग रहा है भाई, ये इसका बॉयफ्रेंड है, जो बोलेगी वो करेगा। काहे काहे घर वालों का नाम खराब कर रहे हो तुम लोग। ओके पापा को बोल के गई थी प्रीति के साथ पढ़ाई कर रही हूँ, प्रीति स्कूटी चला रही है पीछे, इसको देखो। अच्छा तो अभी जो मैं आपको दिखाने जाऊंगा इससे आप ईमानदार दिल का शरीफ इंटेलिजेंट शराबी आपने कभी नहीं देखा होगा पहले। ये कौन से पोज में सोया है भाई, सुबह उठेगा ये इसके कमर के तो वाट लग गई होगी भाई, पीछे ऐसा भाई कैसे कर लेते हो ये सब? ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। 100 नंबर फोन किया था जी सर। 100 नंबर फोन किया, फोन किया कैसे करीबन दो तीन बार फोन किया। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, हम शराब ज्यादा पीते हैं इसलिए मुझे थाने में छोड़ दो। इसने पुलिस को फोन किया, मैं दारू ज्यादा पीता हूँ मेरे को थाने में छोड़ दो। वाह क्या सीन है, तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से, घर पे खाना नहीं मिलता, एटलीस्ट पुलिस स्टेशन में खाना तो मिलेगा। थाने में क्या, थाने जाओगे? हाँ जी सर। क्यों? अपराधी है ना, अपराधी है। क्या अपराध किया है? अपराध कुछ नहीं, बस मदिरा ही, मदिरा का ही सेवन करते हैं। मदिरा का सी तो थाने में क्या मतलब है उसका, फिर तुमने घर पे रहो ना फिर। सर चले जाएंगे वहाँ, छूट जाएगी, 10-12 दिन रहेंगे। भाई बड़ा ऑनेस्ट लग रहा है भाई, पता नहीं यार ये आदमी की कोई हेल्प करो, ये खुद की लाइफ बदलना चाहता है बेचारा। थाने में क्या शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को नहीं मिलेगी। ये तो बड़ा स्मार्ट है। उन्होंने इस अजीब से आदमी की रिकॉर्डिंग की जो किसी पुतले की तरह बीच में खड़ा था। जब इन लोगों ने उससे आवाज दी, एक मिनट ये पुतला नहीं है, ये तो उसे होश आया और वो वहाँ से चलने लगा। लेकिन उसे चला कहाँ जाने लगा था क्योंकि वो पूरी तरह से नशे में धुत था और जाकर एक फैन से टकरा कर गिर गया। पीने के बाद लोग स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं। ग्लिच हो गया भाई इसके आदमी के सिस्टम से, हैंग हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी जगह में फंस जाते हैं जगह या लोकेशन की वजह से या टाइमिंग की वजह से जहाँ पे गाड़ियों की सुविधा नहीं होती है। और ऐसे में या तो हम पैदल ही चलते हैं या हम रहने की व्यवस्था करते हैं। बस आपको इन भाई साहब का फॉर्मूला फॉलो करना है। हम कहाँ हैं? भांग वांग नहीं है मेरे पास, ये खाली चिलम है, ये पीता हूँ मैं बचपन से। नशे करता है ऐसा बोल रहा है ये,
तो सवारी के लिए पढ़ा लिखा भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ। ओके तो तुम सरकारी गाड़ी तो है जी, तो इससे थोड़ी लेके जाएंगे तुम्हें गुन्नौर, तुम इससे जा नहीं सकते क्या? हाँ ये मेरे को याद है, ये बंदे ने पुलिस को फोन लगाया ताकि पुलिस इसको गाड़ी में बिठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। गुन्नौर जी, गुन्नौर जाना है भाई को। भाई ने पुलिस 100 नंबर पे फोन लगाया, बोला गाड़ी आया, गाड़ी में बैठ के चलो गुन्नौर छोड़ो। ये अमरोहा जिले की है ना, वहाँ की उजारी की गाड़ी, ये कोई से भी जिले की हो है तो सरकारी। ओ सरकारी गाड़ी है भाई, सरकारी गाड़ी है, सरकारी ओला उबर नहीं है। अच्छा जी, तो तुम्हें इससे ही जाओगे? इससे जाना मुझे भाई का स्वैग देख रहा हूँ मैं, तो इससे ही जाऊंगा। अगली क्लिप देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। जी हाँ, वीडियो में दिख रहा सस्ता नशा करने वाला चरसी आदमी बाइक पर बैठने की कोशिश कर रहा है। ओके लेकिन इसे इतनी चढ़ा रख अन्ना अन्ना बाइक पे बैठ जाओ की है कि बाइक पर बैठने की जगह इसकी 11 नंबर भाई फूल नशे की है और ये बाइक से कई फीट दूर। अरे वो आदमी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है इसको जो बैठा है बाइक पे? आपने मुझसे कुछ कहा? पता नहीं नशेड़ी लोगों में गिरकर उठने की स्पिरिट कहां से आ जाती है। सच्ची भाई, भाई हार नहीं मान रहे, देख रहे हो झुकेगा नहीं गिरेगा नहीं। जर्सी ट्राई करना तो जारी रखता है भाई, बाइक लेकर खड़ा। भाई मैं तो इसको बाइक पे भी लेकर आ जाऊं, भाई पीछे से गिर गिर गया मेरे पे नाम आएगा। इसका भाई भी इससे तंग आ जाता है और बार बार गिरने के बाद जब ये आखिर में बाइक पर बैठ जाता है तो बाइक चालक नीचे गिरा देता है। पहले तो इतनी ज्यादा दारू पीते हैं, फिर साइकिल चलाकर घर जाने की नाकामयाब कोशिश भी करते हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा बबलू भैया? खैर कड़ी मशक्कत के बाद इस आदमी ने साइकिल, भाई आज तो इतनी ही साइकिल चला पाऊंगा, आज की राइड यहीं पे खत्म। ये लोग का होता क्या, रोड पे गिर गिर जाते हैं, घर कैसे पहुंचता है आदमी? मेरे को वो है जब उतरती है तब घर पहुंचता है या वीडियो वायरल होने के बाद कोई लेने आता है? आई डोंट नो यार, बट ये सब मत करना बच्चों। ओके वेरी बैड ओके, ओनली गुड थिंग सब्सक्राइब टू दिस चैनल ओके। अगर आपको चाहिए और ड्रंक पीपल पे वीडियो बनाए तो मेरे को बताना, एंड कभी ऐसा दारू डी आपने देखा रहेगा तो मेरे को इस ईमेल आईडी पे भेज दो, जरूर रिएक्ट करेंगे उस पे। जैसे बोलेगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।